أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى على المطهرين وأولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صلوات حضرات گرامی قدر، وقت کی قلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیہ مجیدہ کو تلاوت کر کے سفر معرفت اور عارفین کو عنوان گفتگو قرار دیا، جس عنوان کے تحت، جس موضوع کے تحت چند باتیں عرض کرنا مقصود ہیں. وہ عنوان، وہ موضوع سفر معرفت اور عارفین ہیں. دیکھیے، معرفت کا ہر جگہ حوالہ دیا گیا، عرفان کا ہر جگہ حوالہ دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو مگر معرفت کے ساتھ، نماز قائم کرو مگر معرفت کے ساتھ، روزے رکھو مگر معرفت کے ساتھ، حج و خمس و جہاد بجا لاؤ مگر معرفت کے ساتھ، حتیٰ کہ عزاداری کرو معرفت کے ساتھ. زیارت امام حسین تو جاؤ معرفت کے ساتھ، یہاں تک کہ حدیث پیغمبر ہے اور چھٹے امام کی بھی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی روزے کی زیارت کی، اس پہ جنت واجب ہو جاتی. امام فرماتے ہیں کہ من زارت جدی الحسین اور فن بالحق، جس نے میرے جد امجد کی زیارت کی لیکن اس کے ساتھ حق کی معرفت کے ساتھ، اس پر جنت واجب ہو جاتی. ہمیں ہر جگہ معرفت کا حوالہ دیا گیا. اور ہمیں معرفت کا سفر کرنا ہے، سفر معرفت کرنا ہے. سفر معرفت کی منزل عرفان الہی ہے، سفر معرفت کی منزل معرفت الہی ہے.
इलाही तक का सफर करना है, लेकिन मारफते इलाही तक के सफर के लिए हमें सहारा चाहिए। मारफते इलाही तक के सफर के लिए हमें कोई जीना चाहिए जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए, जो हमें मारफते इलाही तक का सफर कराए। हमें वो सहारा चाहिए, हमें वो जीना चाहिए। और सबसे पहले हमें मारफते इलाही तक के तक पहुंचाने के लिए हमारा पहला सहारा कुरान मजीद है। नमाज मारफते इलाही के सफर में मददगार, रोजा मारफते इलाही के सफर में मददगार, वजूद का इजहार, इजहारे वजूद किन किन अनवार पर मुमकिन है, या इसको और आसान करूं कि इजहारे वजूद, वजूद का इजहार किस किस तरीके से मुमकिन है। और अजीजाने की नामी मिसाल के तौर पर, मिसाल देके आगे बढ़ जाऊं कि मिसाल के तौर पर दौरान तकलीफ मुझे प्यास लगी, मैंने पानी तलब किया, दूर से एक साहिब खड़े हुए, उनको ले लफ्ज़े पानी अदा किया, मैंने लफ्ज़े पानी सुना, मेरे ज़हन में पानी का तसव्वुर पैदा हो गया। उनके लफ्ज़े पानी के अदा करने से मेरे ज़हन में जो पानी का तसव्वुर पैदा हुआ, क्या उससे तिश्नगी जो जिगर की थी वो खत्म हो गई? मैंने पानी की तलब जारी रखी तो वो साहिब उठे, कहने लगे शायद इन्हें पानी सुना ना होगा। उन्होंने पानी लिखा और दूर से दिखाने लगे। मैंने वो लिखा हुआ पानी देखा तो मेरे जहन में पानी का एक और तसव्वुर पैदा हो गया। तो क्या उस तसव्वुर से मेरी प्यास बुझ गई? पानी का एक तौरे वजूद मेरी नजर में भी है, पानी का एक तौरे वजूद मेरे जहन में भी है, पानी का एक तौरे वजूद तहरीर में भी है, लेकिन प्यास है कि भड़क रही है, प्यास बुझ नहीं रही। पानी का एक तौरे वजूद तहरीर में भी, पानी का एक तौरे वजूद नजर में भी,
जब तक पानी का असल तौरे वजूदे हकीकी मयसर नहीं आएगा, प्यास बुझ नहीं सकती। इसी तरह जब तक कुरान मजीद का असल तौरे वजूदे हकीकी मयसर ना आ जाए, सफरे मारिफत की तशनगी का मजा नहीं हो सकता। और ये तौरे वजूद मैं गलत कह गया, तौरे वजूदे हकीकी नहीं, तौरे वजूदाते हकीकी, क्योंकि वजूदाते हकीकी एक नहीं 14 है। और इसी वजह से कुरान मजीद का कुरान के वजूदे हकीकी से इस्म और मुसम्मा का रिश्ता है। इस एतबार से कुरान इस्म की हैसियत रखता है और कुरान का वजूद हकीकी मुसम्मा की हैसियत रखता है। ये इस्म बहुत से मुहक्किकीन ने और बहुत से लुगत लिखने वालों ने इस्म के मानी अलामत के लिखे हैं। अब इस्म के मानी अलामत और अजीजाने गिरामी, ये इस्म इंसान के वजूद की अलामत होती है। मेरा नाम, मेरा इस्म मेरे वजूद की अलामत है। मेरा नाम मेरे वजूद की अलामत है। लेकिन आमतौर पर लिसानी हवाले से आमतौर पर लफ्ज इस्म बनते हैं, यानी अल्फाज वजूद की अलामत बनते हैं, यानी इस्म आपका नाम लफ्ज है, यानी लफ्ज इसकी वजूद की अलामत बनते हैं। लेकिन हर दफा इस्म ही लफ्ज ही वजूद की अलामत नहीं होते, बल्कि कुछ वजूद भी किसी वजूद की अलामत हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम मेरे वजूद की अलामत है, लेकिन मेरे बरादर भी मेरे वजूद की अलामत है। मैं उनके वजूद की अलामत, वो मेरे वजूद की अलामत, और ये जो मेरा इस्म मेरे वजूद की अलामत है, इसे इसमें लफ्जिया कहते हैं। और जो वजूद मेरे वजूद की अलामत है, उसे इसमें वजूदिया कहते हैं। और अल्लाह में भी कुछ अस्माए लफ्जिया है और कुछ अस्माए वजूदिया है। खुशमाना लफ्ज को, खुशमाना सिफ्त को अल्लाह
इलाही के लिए मारिफत कुरान और मारिफत अस्माए लफ्जिया जरूरी है। मारिफत कुरान और मारिफत अस्माए लफ्जिया के लिए मारिफत वजूद हकीकीया कुरान और मारिफत अस्माए वजूदिया जरूरी। लेकिन मारिफत कुरान के वजूद हकीकी की मारिफत के लिए और अस्माए वजूदिया की मारिफत के लिए भी हमें कोई सहारा चाहिए। अस्माए वजूदिया की मारिफत के लिए और कुरान के वजूद हकीकी की मारिफत के लिए हमें कोई सहारा चाहिए। और यहां एक जुमला देकर मैं अगली मंजिल में दाखिल हो जाऊं कि अस्माए वजूदिया की मारिफत के लिए कुरान के वजूद हकीकी की मारिफत के लिए जरूरी है कि अपने नफ्स की मारिफत की जाए, मारिफत नफ्स हासिल की जाए। और मारिफत नफ्स जब हासिल हो जाएगी, और मारिफत नफ्स हासिल कैसे होगी, मारिफत नफ्स हासिल कैसे होगी, मारिफत नफ्स हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर महसूस करें कि आपके अंदर कितने जज्बात हैं, आपके अंदर कितने एहसास हैं, आपके अंदर कितने अफकार हैं, आपके अंदर कितने इदराकात हैं। आपके अंदर जब आपके सामने कोई बात गलत हो रही हो तो आपका क्या रद्द अमल होता है, जब बात सही हो रही हो तो आपका रद्द अमल क्या होता है, यानी आपका नफ्स हकीकत में लामकना ही हकीकत रखता है। आपका नफ्स लामकना ही हकीकत रखता है। आपने ये दर्क करना है कि आपका नफ्स कितना लामकना ही हकीकत रखता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का नफ्स लामकना ही है, लेकिन जैसा ही आपका लामकना ही नफ्स है, ऐसे ही किसी दूसरे का नफ्स लामकना ही है, ऐसे ही तीसरा नफ्स लामकना ही है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे का नफ्स पहले के नफ्स की शबीह ही हो, दूसरे का नफ्स पहले का अक्स हो, यानी तमाम हर इंसान का, हर अलहदा हर मुख्तलिफ इंसान का नफ्स जो है वो लामकना ही हकीकत रखता है। और जब तुम्हें तो मारिफत रखने वाले अफराद को
मारिफत के सफर पे गामजन है, तो चलिए उस आयत की तरफ जिसे सरनामा गुफ्तगू करार दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिदा समयू, जैसे अल्लाह ने मुत्तकीन की पहचान बताई कि मुत्तकीन शायर अल्लाह की तादीम करते हैं, जैसे मोमिनीन की पहचान कि वो भी कियामत बरकात के पाबंद होते हैं, इसी तरह सूरह मायदा की इस आयत में अल्लाह आलमीन की पहचान बता रहा है और फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिदा समयू, वो लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं, मा उन्जिला रसूल, जो रसूल पे नाज़िल किया गया, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, मिल मां अरकु मिलल हक, इसका मतलब कि वो हक को पहचान गए, इसका मतलब कि वो मारिफत इलाही तक पहुंच गए, इसका मतलब कि वो मारिफत इलाही के सफर पर गामजन है। अब देखना ये है कि वो लोग कौन हैं कि जो वो सुनते हैं, जो रसूल पे नाज़िल किया गया, जो रसूल पे नाज़िल किया गया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब अगर ये मालूम हो गया कि रसूल पर क्या नाज़िल किया गया, तो उन अफराद का मालूम हो जाएगा कि वो अफराद कौन हैं कि जो सुनते हैं जो रसूल पर नाज़िल किया गया। अब हमारा सवाल ये है कि रसूल पर क्या नाज़िल किया गया, तो कुरान रसूल पर नाज़िल किया गया, हुक्म नमाज रसूल पर नाज़िल किया गया, हुक्म रोज़ा रसूल पर नाज़िल किया गया, हुक्म हज रसूल पर नाज़िल किया गया, लेकिन आप शहदुल मनाने आए,
शहर में इमाम हुसैन मनाने आए हैं, उस बीबी को कुर्सा देने आए हैं जिस बीबी की पसलियां तोड़ डाली है। रिहाई के बाद एक बीबी जब कब्रे हुसैन पर आई तो अपने को यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से जमीन पर आए, और वहां बैठ करने के बाद हुसैन के कब्र पर रोने के बाद जनाबे अब्बास के कब्र पर रोने के बाद अपनी औलाद को जनाबे उम्मे मोहम्मद को ये बीबी नहीं रोई बल्कि